देखो दिल्ली में ना बहुत सारी जगह है जो आप फैमिली के साथ में जा सकते हो या अपने बच्चों के साथ में जा सकते हो, बट कपल्स के लिए ना बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। तो आज ही मैं एक ऐसी लोकेशन में ले सकता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। वैसे फैमिली के साथ भी जा सकते हो, वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी खूबसूरत लोकेशन अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो अच्छा लगेगा। तो आज मैं जा रहा हूँ नेहरू पार्क, जिसकी लोकेशन पड़ेगी चाणक्यपुरी के पास में, तो वहीं जाके आज मैं पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ आपको। तो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में, चलिए शुरू करते हैं। पहुंच गए भाई नेहरू पार्क हम, और पार्किंग हमने कर दी है बिल्कुल फ्री पार्किंग है सभी सिटीजन के लिए। यहाँ से हमारी एंट्री एक बार बाहर से आके आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अंदर चलते हैं। तो अगर नेहरू पार्क की बात करो तो आपको ये नीति मार्ग पर पड़ेगा, और वहीं से आपको सामने बोर्ड दे जाएगा नेहरू पार्क का लेफ्ट साइड में, उधर ही आपको ना पार्किंग करनी है अंदर, पार्किंग बिल्कुल फ्री है। अब हम थोड़ा एंटर करते हैं, एंट्री का थोड़ा स्पेस दिखाता हूँ। पार्क बहुत बड़ा है, तो जो मेन मेन अट्रैक्शन होगी मैं वही वीडियो में कवर करूंगा, जिससे आपको पता लग पाया कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या आप अंदर इन्जॉय कर सकते हैं। पार्किंग स्पेस की बात करें तो बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अगर आप डिसेबल्ड हैं तो उसके लिए भी आपको स्टेयर्स नहीं मिलती, यहाँ पे आराम से आप ऊपर जा सकते हो, तो उसका साइन भी यहाँ पे बना रखा है। बाकी अब थोड़ा अंदर चलते हैं। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाइमिंग्स हैं इसकी, सुबह 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, सुबह 5 से रात को 8 बजे तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो करनी है और नहीं करनी है, पढ़ सकते हो आराम से। बाकी कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन जो पढ़ सकते हो, नुकीली जूते यूज़ नहीं करना ट्रैक पे, ट्रैक को नुकसान नहीं पहुँचाना, पालतू जानवर की अनुमति यहाँ पे नहीं मिलेगी, साइकिलिंग जा सकते, खाना पीना नहीं कर सकते, ट्रैक पर खेलना नहीं है, और ट्रॉली अगर नहीं चलानी है, और ग्रुप में पिकनिक नहीं कर सकते। ट्रैक्स तो बहुत सुंदर बना रखे हैं बिल्कुल ना, तभी इसमें नुकीले जूते ना अलाउड नहीं कर रखे, बट सुंदर है। हाँ खोया हूँ अभी। कहाँ पे? खूबसूरती पे। जितने भी वीडियोस आप देखते होंगे ना, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है भाई, वाव लोकेशन है, सुंदर लोकेशन है, पेड़ पौधे फूलों के साथ में, और बीच में कुछ ना कुछ आप अट्रैक्शन लगा रखी है, मज़ा आ जाता है इसको देख के। और पिंक पिंक फ्लोरिंग है चलने के लिए, सुंदर, और क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं बच्चे यहाँ पे। पिंक ट्रैक है और पिंक फूल है भाई, आनंद ही आनंद आ गया। और सेंटर में भी ये कुछ लगा रखा है इन्होंने, पिंक पिंक ट्रैक्स में मज़ा नहीं आ रहा क्या? नुकीले जूते तो नहीं है तुम्हारे? अभी मैं जूते उतार के नंगे पैर दौड़ूंगा। मस्त है रनिंग के लिए बहुत भाई। ब्रीफ का करना है, ये देखो लोकेशन सेंटर में बना रखी है, इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे पत्थर लगा रखे हैं भाई, फोटोज तो बहुत अच्छी आएंगी, लगेगा पता नहीं कहाँ पर आ गए आप। एक बार चेक करो, ये चेकआउट करो इसको जरा, वाह 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 मज़ा आ गया। इन्वायरमेंट बहुत साइलेंट है, बहुत पीस है यार इस जगह के अंदर, मतलब अभी मेरे को ना एक सेंटर में कुछ दिखाया, मैं मतलब वो एक्सप्लोर करके आता हूँ। तो ये बच्चों के ना खेलने के लिए लग रही है मेरे जगह, क्योंकि यहाँ पे ना पत्थर लगा रखे हैं इन्होंने, जैसे बच्चे ऊपर चढ़ें स्लाइड करें, मे बी इस टाइप से कुछ है या नहीं है, आई रियली डोंट नो, बट इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर आपको बीच में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो वगैरह आप खिंचवा सकते हो, मज़ा आएगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग से लेके आप पूरा यहाँ से चक्कर लगा सकते हो उस पिंक लाइन पे, और अभी मैं जा रहा हूँ बीच से सेंटर से वाटर फाउंटेन ढूंढने के लिए, वो कहाँ पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो फाउंटेन है वो सेंटर में बना हुआ है पार्क के, तो आपको सेंटर में आना पड़ेगा अगर आप फाउंटेन थोड़ा इन्जॉय करना चाहते हैं। तो थोड़ा क्लोज जाता हूँ, मुझे सामने दिख रहा है बहुत लोग आगे फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, हम भी जाते हैं थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, फोटोज़ वगैरह तो क्या खिंचवाएंगे, थंबनेल ले लूँगा। तो भाई यहाँ पे फूल टहलना, थोड़े खाना पीना, धूमधाम मचा जाए, जुआ खेलना, टेंट छत लगाना, लाउड स्पीकर, शूटिंग, कपड़े धोना, तैरना, नहाना, हॉकी, फुटबॉल, पोस्ट लगाना, साइकिल, सब कुछ वर्जित है यहाँ पे, बस आओ टहलो निकलो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट में फाउंटेन है, बहुत लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे फाउंटेन के पास में, बट उसके साथ ही साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है देखने को मिलेगा आपको। क्लोज जाता हूँ आपको बताता हूँ, ये है लेनिन का स्टैचू देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छी लोकेशन में बनाया हुआ है। जो स्टैचू है वो लेनिन का है, आप उसके साथ में फाउंटेन है, फाउंटेन क्लोज में जाते हैं, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है पास में से, तो थोड़ा आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर है। और सेंटर में एक बहुत ही बढ़िया एरिया है जहाँ पे आप लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हो, वो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, उसके बाद मैं वहाँ भी जाता हूँ। गंदा हो रहा था अभी, वो ठहरा हुआ पानी गंदा ही होता है ना, मगर ये कैसा है, बहुत सुंदर। हाँ तो सामने फाउंटेन है, बीच में एक रेस्ट का बैठने के लिए एरिया बना रखा, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही बढ़िया थीम है। सामने चेयर्स हैं, उसकी थीम भी बहुत बड़ी लग रही है मेरे को। अब पहले फाउंटेन चलते हैं, फिर हम चेयर की साइड चलेंगे। मैंने कहा था ना कपल फ्रेंडली पार्क है, लिखा भी आशील नर लव नीति मिस यू। देखो थीम कितनी प्यारी है, चारों तरफ पानी है, मतलब उस साइड से यहाँ फाउंटेन है, यहाँ थोड़ी देर बैठो भाई, क्या फील आ रही, क्या वाइब आ रही ना यहाँ पे बैठने की, सूट गद्दा लगा लूँ यहीं पे। अरे मतलब यहाँ बैठो, मतलब यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ग्रास बना रखी है, यहाँ बैठो। हाँ फिशेज भी है, बताओ बच्चे देखो कितना इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे खुश हो गए, मतलब अगर अपने बच्चों को ले आओ, वैसे तो कपल फ्रेंडली पार्क भी मैं बोलूँगा इसको, बट यार अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। अगर आप फाउंटेन के पास में नहीं बैठना चाहते तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शेप्स की ना चेयर्स बना रखी हैं, जिसपे आप बैठ सकते हो आराम से, सामने फाउंटेन एंजॉय कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे आने का भाई है इवनिंग में,
5:30 बजे मैं आया हूँ। गोल्डन धूप पड़ रही है यहाँ पे, गोल्डन लाइट पड़ रही है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, फाउंटेन चल रहा है भाई, मतलब बेस्ट टाइम टू विजिट इज लाइक 5 to 6 PM। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अराउंड 5:30 and 6:30 यू विल इन्जॉय, डेफिनेटली यू विल इन्जॉय, है ना। वो देख मास्टरपीस। तो वेस्ट टू आर्ट के भी 2-3 पीसेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना रखा है, एक और तीन है, मतलब एक ये है कि है, एक पीस ये है और एक उस साइड में है। तो 3-4 पीसेस आपको वेस्ट टू आर्ट के मिलेंगे। बट ये जो लोकेशन ना, यहाँ आके आप आधा एक घंटा इवनिंग में आराम से बिता सकते हो, यू विल नॉट रिग्रेट। लोकेशन को मैं बोलूँगा कि पूरा पैकेज है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ट्रैक व्रैक नहीं कर रहे हो। यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे फाउंटेन और यहाँ सामने बच्चों का प्ले एरिया है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने गार्डन एरिया बना रखा है, उसके साथ ही में यहाँ पे प्ले एरिया है बच्चों के लिए। कितना बढ़िया है, पूरा प्ले जोन है, साथ में एक्सरसाइज का भी जोन है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मशीन के लिए, बच्चों के खेलने के लिए कोई कमी नहीं है। डबल डबल मशीन लगी हुई हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप आओ, एक्सरसाइज करो, मजे करो, इन्जॉय करो। तो मेन हाईलाइट ना मेरे को यहाँ की ये जो पिंक रोड है वो लग रही है, साथ में एक वेस्ट टू आर्ट और है यहाँ पे जो कि ड्रैगन डायनासोर है। एक ये भी एंट्री है, वहाँ पे आपको डायनासोर मिल जाएगा। मतलब 2 या 3 एंट्री है यहाँ की, आप एंट्री कर सकते हो किसी भी साइड से। मैंने नीति मार्ग से एंट्री करी थी, वहीं से मैं एग्जिट लूँगा। पर आपको लग रहा है कि ब्लॉग में बस इतना ही है, बट इतना नहीं है। अब एक और पार्क मैं आपको इसी ब्लॉग में कवर करूँगा, तो उसके लिए भी पूरा एंड तक देखना। वो है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, वो भी इसी ब्लॉग में कवर रहेगा। तो ऐसे भैया भी यहाँ पे घूम रहे हैं जो पानी माजा बुजा बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ फाउंटेन देखने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे सुबह 8 से सुबह 11 तक चलता है, दोपहर को 1 से 3 चलता है और शाम को 5 से 10 चलता है। और कृपया फवारे के पानी को ना छुएं, बिजली करंट लग सकता है। तो मोटा मोटा नेहरू पार्क में इतना ही है, बट अभी आगे जा रहे हैं हम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क में, वो भी इसी ब्लॉग में कवर कर रहे हैं। तो वेट करिए, हम तब तक स्कूटी निकाल के पहुँचते हैं। निकल रहे हैं इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क में, अगर खुला होगा तो वो भी कवर कर लेंगे, पूरा दिखा देंगे इसमें और अलग सीट बना के डाल देंगे। और जाम 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 जाम। तो आगे देख। तो भाई पहुंच चुके हैं हम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क में। इसकी पार्किंग यहाँ पे नहीं है, इसकी पार्किंग ना उस साइड पे है, मतलब लेफ्ट साइड में इसके साथ में। तो हमने बस वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे भारत कोरिया मैत्री उद्यान, और ये कोरिया में भी लिखा हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली रिंग रोड यहाँ से जाएगा, और अगर शास्त्री बाजार आपको पता है दिल्ली के एंड पे है, तो उसके गोल चक्कर से राइट लोगे ना आप, तो आपको 400 मीटर पे पड़ जाएगा। यहाँ से रिंग रोड निकल जाएगी, धूला कुआं निकल जाएगा, तिलक नगर निकल जाएगा। तो वहाँ से आप राइट लेके भी आ सकते हो और वहाँ से लेफ्ट लेके भी आ सकते हो। तो थोड़ा अगर जिसको दिल्ली में रहते हैं उनको अंदाजा होगा। बाकी आप दिल्ली के एंड के मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो, तिलक नगर के मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो यहाँ पे। वहाँ से आपको ऑटो वाला बता देगा कहाँ पे है, बाकी आप गूगल मैप लगा के भी आ सकते हो। बाकी आप चलते हैं आगे। तो उसके लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा यहाँ बोर्ड, तो अंदर जाना है, अंदर गाड़ी पार्क करनी है, स्कूटर पार्क करना है। पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगी यहाँ की। तो अंदर जाता हूँ मैं आपको, फिर आगे दिखा। तो स्कूटी मैंने पार्क कर दी है, स्कूटी की पार्किंग बिल्कुल फ्री है। और ये इंडो मैं इतनी जल्दी लेके बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, रात हो गई है, 6:15 हो गए, और 15 मिनट में मेरे को पूरा का पूरा वाइंड अप करनी है इस जगह, क्योंकि मैं दोबारा नहीं आने वाला हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये लोकेशन जो डेडिकेटेड है वो है इंडिया कोरियन की जो फ्रेंडशिप है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक फ्रेंडशिप पार्क बनाया हुआ है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी दे रखी है, तो वो भी अभी दिखाता हूँ। तो आप लोग देख भी रखते हो कि दोस्ती का हाथ यहाँ पे बना रखा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इंडिया के बीच में। दोस्ती काफ़ी अभी फिलहाल बुरी नहीं है, तो ये पार्क को रिप्रेजेंटेट कर सकते हो अभी आप, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रोल ऑफ ऑनर है इंडियन सोल्जर हु मेड द सुप्रीम सैक्रीफाइस इन द कॉज ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन कोरिया। ये है चरण सिंह, 60 पैरा FDAMD। तो ये है उनका स्टैचू जिन्होंने उस दोनों देशों के बीच में पीस लेके आए थे, तो उनको ये डेडिकेटेड है। और ये पूरा पार्क, ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, बट इट्स टोटली डेडिकेटेड टू हिम एंड द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड कोरिया। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब ना कोरियन में भी लिखा हुआ है और इंडिया में भी लिखा हुआ है। तो भारत कोरिया मैत्री पार्क दिल्ली छावनी का उद्घाटन सुखवोक राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 में बनाया, थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है। तो छोटा सा यहाँ सेल्फी पॉइंट बना रखा है, मेरी माटी मेरा देश का एक कैंपेन होगा तो उसका यहाँ पे बना रखा है। बाकी लिखा है डेडिकेटिंग एवरी मिनट ऑफ आर लाइफ एंड एवरी आउंस ऑफ आर एनर्जी फॉर आर मदरलैंड इन द ट्रू ट्रिब्यूट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा, नेम ऑफ द वीर, ठीक है, वो भी है यहाँ पे लिखा। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टैचू, बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी यही है इस पार्क में, तभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया कि बहुत खूबसूरत पार्क है, आप एक बार आना रेकमेंड कर। गाइस रात हो चुकी है और आज के इन व्लॉग्स में इतना ही। दोनों पार्क मैंने आपको दिखा दिए, दोनों आप आ सकते हो, दोनों आप रेकमेंड कर सकते हो। दोनों पास में मेरे घर के तो हैं, बट एक बार आप आके चेकआउट मार सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस आपके लिए मिलाता है तो लाता रहूँगा दिल्ली और दिल्ली की बाहर की। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में।